स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। और आज हम करेंगे कुछ प्रश्न जो है वो किसान आंदोलन से रिलेटेड। ये प्रश्न जो हैं वो आपके भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें हम 1857 से लेकर और 1947 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका लास्ट वीडियो होगा हिस्ट्री का, जिसमें हम बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चन सीरीज जो है वो करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आपके रीट के सिलेबस में ही आपका जो लास्ट टॉपिक है, जहां हम 1857 से लेकर 1947 तक का पूरा देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोपीय कंपनी ने कहाँ के जमींदारों से भूमि प्राप्त करके नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका आंसर है बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार के जमींदारों से यूरोपीय कंपनी ने भूमि प्राप्त की और नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, नील की खेती जो है वह यूरोपीय जो देश थे वहां पर भी होती थी, लेकिन वहां का जो नील होता था वो इतना अच्छा नहीं होता था, इतनी अच्छी चमक नहीं होती थी जितना कि भारत में होती थी। तो जब इन्होंने भारत में देखा कि वहां नील की खेती जो है उसमें नील में जो चमक है वो बहुत ज्यादा है, जब उन्होंने कपड़ों पर इसकी रंगाई की, तो उन्होंने सोचा कि हम भारत में ही नील की खेती उगाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन जिस जमीन पर नील की खेती उगाई जाती थी वहां पर कोई अन्य फसल उगाना संभव नहीं हो पाता था, जिससे कि किसानों को बहुत परेशानी होने लगी थी। तो बंगाल और बिहार में यहाँ पर यूरोपीय कंपनी ने जमींदारों से भूमि प्राप्त की और नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, 1860 ईस्वी में किस जिले के समस्त किसानों ने हड़ताल कर नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। तो नील की खेती का जो आंदोलन है वो बहुत टाइम तक चला था। तो 1860 में किसानों ने हड़ताल की और नील की खेती से इनकार कर दिया। तो यह थे 12-7 उप विभाग तथा पावना और नादिया जिलों के किसानों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, नील विद्रोह को रोकने के लिए कब नील आयोग नियुक्त किया गया। तो किसानों ने विद्रोह कर दिया, तो नील विद्रोह को रोकने के लिए नील आयोग नियुक्त किया गया, और यह नील आयोग जो है वो 1860 ईस्वी में ही नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण में किसानों ने आंदोलन कब और किस कारण हुआ। दक्षिण में जो किसान आंदोलन हुआ था वो कब हुआ और उसकी क्या वजह थी। तो देखिए 1875 ईस्वी में भूमि पर बहुत अधिक कर लगाए जाने की वजह से, और वहाँ कपास की जो खेती थी वह अधिक होती थी, तो उसके कारण वहाँ पर जो उनके दाम थे उन्हें कम कर दिया गया। इसकी वजह से किसान जो थे वो रुष्ट हो गए और किसानों ने आंदोलन किया। क्वेश्चन 5, चंपारण किसान आंदोलन क्यों हुआ। तो चंपारण किसान आंदोलन का कारण था कि जो बिहार के किसान थे उनसे जबरन नील की खेती करवाई गई। जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि यूरोपीय कंपनी जो थी वो अब जमींदारों से जमीन ले रही थी और वहां नील की खेती करवा रही थी, तो जमींदार भी उस वक्त कर रहे थे। जमींदार जो थे वह भी किसानों पर बर्डन डाल रहे थे, उनसे जबरन जो है वो नील की खेती करवाई जा रही थी। तो जो किसानों के हल वगैरह थे वो पूरे सालों साल वहाँ बिजी भी रहते थे, और अन्य फसल जो है वह भी वो नहीं उगा पाते थे, जिससे उनकी स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने किसकी सहायता से चंपारण किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। देखिए गांधी जी जो थे वो दक्षिण भारत से आए थे, तो उन्होंने जैसे ही बिहार में एक किसान था राजकुमार, तो राजकुमार के आग्रह पर बिहार चंपारण में गांधी जी आए। तो उन्होंने जब वहाँ की स्थिति को जाना तो यह उनकी स्थिति में इस स्थिति में सहायता जो है वह की थी राजेंद्र प्रसाद ने। तो वहाँ देखकर उनका मन जो है वो बहुत अधिक व्यथित हुआ था, परेशान हुआ था, तो गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन किया। यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है, ठीक है, याद रखना है गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है वह चंपारण आंदोलन है,
जिसे हम तीन कटिया प्रथा भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में बिहार में गांधी जी के प्रयासों से। और देखिए, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। और उसके एक साल बाद 1917 में बिहार में गांधी जी के प्रयासों से चंपारण आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया कि नील की खेती को समाप्त करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी चंपारण आंदोलन में, और वह उपाधि उनको दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण आंदोलन में ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? देखिए, गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वह तो चंपारण बिहार में हुआ था, बिल्कुल याद रखना है, पहला सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में दूसरा सत्याग्रह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो वहां जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो 30% बोनस जो है वह मील मजदूरों को मिलेगा, तो उसके लिए विवाद हुआ था। उसके बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन हुआ, यह भी गांधी जी के प्रयासों से हुआ था। यहाँ यह क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ गुजरात में जो भी कर था वह जबरन वसूला जा रहा था, इस वजह से खेड़ा आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो फसल थी उस पर कर जो है वह बहुत अधिक लगाया जा रहा था, जबरन वसूला जा रहा था, और कहाँ पर, गुजरात में। तो उसको कम करने के लिए खेड़ा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह गठन हुआ 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका आज का अंतिम प्रश्न था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, मैं आपको बार बार कहती हूँ, और अगर आप ध्यान देंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर और भारत की आजादी 1947 तक, तो आपके लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपका जो टॉपिक ही है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस में देखिएगा कि आपका जो लास्ट टॉपिक है आपका हिस्ट्री का, तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।